हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एडिटर जी हिंदी में। देश को नई महामहिम मिल चुकी हैं, द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बन चुकी हैं और ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई आदिवासी इस पद पर बैठा है। तो द्रौपदी मुर्मू के कार्यकाल और द्रौपदी मुर्मू के जीवन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उनके करीबी रहे प्रहलाद पूर्ति जी हैं और प्रहलाद जी विधायक रहे हैं बहालदा विधानसभा सीट से। प्रहलाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडिटर जी हिंदी में। जी धन्यवाद, जोहार जी। प्रहलाद जी, सबसे पहले ये बताइए, जब हम कोई जश्न होता है या कोई बड़ी हस्ती, बड़ी शख्सियत जब किसी पद पर बैठती है तो दिल्ली और एनसीआर की खबरें तो हम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं, लेकिन दूर दूर दराज के क्षेत्रों में क्या होता है हम अक्सर नहीं जान पाते हैं। तो इसी मिथक को तोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं इस एपिसोड के जरिए, आपसे बातचीत के जरिए। तो आप बताइए, क्या माहौल है द्रौपदी मुर्मू के गांव में, उस जिले में जहां मयूरभंज जिस जिले से वो आती हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, अभी क्या स्थिति है? जी धन्यवाद। आज जब हमारे भारत के राष्ट्रपति के तौर पर मयूरभंज जिला से पहली बार आदिवासी महिला का वहां जाना मयूरभंज जिला के लिए और आदिवासियों के लिए बहुत ही खुशी और स्वागत की बात है, और यह पूरे मयूरभंज में और पूरे देश में आदिवासियों के मन में एक उत्साह उमंग फैल गई है कि आज हमारे लोग भी सर्वोच्च पद में, संवैधानिक के सर्वोच्च पद में आज राष्ट्रपति के तौर पर चुनी गई है। इसलिए हम सभी बहुत खुश हैं। और जिस तरह आप कह रहे थे एनसीआर या किसी बड़े शहर में जिस तरह का खबर जल्दी पहुँचती है, तो आज लगता है कि हमारा रायरंगपुर भी, मयूरभंज जिला भी पूरे देश के या राष्ट्रीय स्तर पर या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर तुरंत सीधी संपर्क आप लोग से जुड़ पा रही है, इसके लिए हम लोग आपको धन्यवाद देते हैं। प्रहलाद जी, आपने एक लंबा समय बिताया है विधायक के कार्यकाल के तौर पर और द्रौपदी मुर्मू आपकी सहयोगी भी रही हैं विधानसभा में। हम जानना चाहेंगे, आप अपना कोई अनुभव बताइए जो हमारे पाठक, हमारे दर्शक जान सके कि किस तरह से आपने उनके साथ कुछ पल, कुछ कार्यकाल बिताए हैं, उस दौरान उनका क्या कैसा व्यवहार होता था, किस तरह वो कार्यकर्ताओं से पेश आती थी, किस तरह वो कार्य करती थी, थोड़ा इस पर एक बार रोशनी डालिए प्लीज। जी, मैं द्रौपदी महोदय के साथ दूसरी कार्यकाल में 2004 से 9 13वीं उड़ीसा के विधानसभा में मैं साथ रहा हूँ। उनके साथ काम करने का अनुभव है, और वो जब मंत्री थी तो सारे लोगों से उनका अच्छा मिलना जुलना था, और सारे जो लोग हैं निचले स्तर तक के लोगों से मिलती थी, उनकी बात सुनती थी, और लोगों का काम जो है बहुत ही सलीके से करती थी, और लोगों के साथ बहुत अपनापन का व्यवहार करती थी, और विधानसभा में भी वो अच्छे से जवाब देती थी, और सारे जो प्रक्रियाएं हैं विधानसभा में वो अच्छी तरह पढ़ के जाती थी, और सारे जो मैंने प्रश्नों का वो जवाब अच्छे से देती थी। जी, कोई ऐसी घटना जो आपको याद हो, कोई स्मृति में आपके हो, कोई विशेष घटना जिसका आप जिक्र यहाँ कर सकें अभी हमसे? विशेष ऐसी घटना तो इतना मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ, विधानसभा में जब हम लोग अपने आदिवासियों के ऊपर जो चर्चाएं चल रही थी, जो कि आज अगर कहा जाए तो धर्म के ऊपर जो चर्चा चल रही थी, उस पर उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से पूरे देश को संबोधित किया था या राज्य को, कि हम सभी आदिवासी लोग जो हैं हिंदू धर्म तो नहीं है, हम लोग सरनाइजिम हैं, ये बात हमारे मन में आज भी याद है। वो हिंदू के विरोधी हम लोग नहीं है सारे आदिवासी लोग, लेकिन हाँ, हमारा अपना एक आइडेंटिफिकेशन है, अपना एक परिचय है, अपना अपनी बात को रखने का या अपने समाज के लोगों को अलग एक दर्जा के देने के लिए या अलग दर्जा हम लोग चाहते हैं, इसके ऊपर उनका बहुत ही स्पष्ट रवैया रहा है। जी, और निश्चित ही जो आदिवासी की बात आपने कही है उसको बरकरार रखने की जरूरत है, उस पहचान को, उस क्षेत्र को बरकरार रखने की बहुत सख्त जरूरत है जो झारखंड से लेकर उड़ीसा के क्षेत्रों में फैला हुआ है आज भी। तो प्रहलाद जी, हम अगला सवाल मेरा ये है कि 4 साल में द्रौपदी मुर्मू ने परिवार के 3 लोगों को खोया, ये भी एक कड़वा सत्य है उनके जीवन का। तो आप हमें ये बताइए कि किस तरह वो उभरी होगी उस वक्त जब उन्होंने पति को खोया, अपने 2 बेटों को खोया, तो उस दौर में जब महिला पूरी तरह से टूट जाती है महिला, तो उस समय वो किस तरह से उससे बाहर आई होंगी? बिल्कुल, उस समय वो बहुत टूट चुकी थी, लेकिन हाँ, उस समय जो है हमारे यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय जो विश्वविद्यालय है या जो उनका संस्था है,
उनसे वो जुड़ चुकी थी, उनके साथ रहकर वो अपने जो मानसिक संतुलन को बनाए रखी और अपने समय के साथ अपने मन को बहुत कठोर बने, और जो एक छोटी बेटी भी थी उनके लिए उनको जीना भी था, इसलिए फिर वो अपना जीवन आगे ले गई। उसी समय फिर हमारे झारखंड राज्य के राज्यपाल के तौर पर जब उनको नामित किया गया या घोषणा किया गया, मैं उनसे भी मिली थी, तो उन्होंने उस समय भी हमसे अपनी बातों को साझा किया था। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों को हमारे साथ खुशी निभानी चाहिए थी, हमारे परिवार के लोग, वो आज हमारे साथ नहीं है, सिर्फ एक बेटी है। इसका ये जो बातें उन्होंने हमें सुनाई थी, हमें भी बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ, लेकिन हमने उनको ढाढ़स बताया कि हम लोग सभी आपके साथ हैं और समाज में या तो जीवन काल में इस तरह की घटनाएं होते रहती है, तो हमको और आगे चलकर समाज के लिए अपने जो साथ में रहे हैं उनके लिए काम करना है। इन्हीं बातों को हमने उनको ढाढ़स बंधाया था और वो गवर्नर के तौर पर जो अपने कार्यकाल है वो बढ़िया से काम कर पाई और आदिवासी हित के लिए उन्होंने हमेशा तत्पर रहा है। जी, आपने आदिवासियों की बात कही प्रहलाद जी, तो हम एक जो सवाल है मन में आया है मेरे और जो हमारे पाठक वर्ग है वो भी जानना चाहेंगे कि आदिवासियों के किन अधिकारों की बात आप कर रहे हैं, किन समस्याओं का आप जिक्र करना चाह रहे हैं जो द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद शायद वो बेहतर हो सके या उनका उनका एक जवाब उनकी दिशा में काम हो सके। बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ आदिवासियों का आज भी जो अपना आइडेंटिफिकेशन है या परिचय है या संवैधानिक जो दर्जा या परिचय होना चाहिए वो आज तक नहीं मिल पा रहा है। जैसे कि हमारे ही लोग जो है आदिवासी विभिन्न राज्यों में अलग अलग जातियों में अलग अलग जो मैंने वर्ग में बांटा गया है, जैसे हमारे ही जाति जो है आसाम में है उनको अभी तक ट्राइब टी के मैंने जाति से जाना जाता है, टी ट्राइब से। उसी तरह बंगाल में भी हमारे आदिवासियों को जो हमारे जो संथाल जो है अपने महोदय अभी जो महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी उनके अपने समाज के लोग अपने जाति के लोग को सही परिचय आज तक पूरा नहीं मिल पाया पूरे देश में। हम चाहते हैं कि आदिवासी लोगों का जो संवैधानिक अधिकार या उसका अपना पहचान पूरे देश में एक होना चाहिए, ये हमारे मन में आज भी आशा बंधी हुई है कि अब महामहिम द्रौपदी महोदय अपने आदिवासियों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने संस्कृति के लिए, अपने भाषा के लिए वो इस पर काम करेगी और आने वाले समय में उनको एक पहचान दिलाएगी। जी, और मयूर भंज और आसपास के जिलों में जो अभी खुशी का माहौल है, क्या वो भी लोग इसी तरह का की सोच रखते हैं या अभी उनके लिए खुशी का मौका है कि उनके घर की बिटिया जो है वो राष्ट्रपति बन रही है? बिल्कुल, आज मयूरभंज जिले में या पूरे मैंने आदिवासी क्षेत्र में लोग अपने अपने इष्ट देवता को पूजा कर रहे हैं और कामना कर रहे हैं कि वो आने वाला समय में राष्ट्रपति बनकर देश और समाज का अपने लोगों का काम कर सके। और आज सभी लोग यहाँ पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, अबीर गुलाल लगा रहे हैं, नाच गाना हो रहा है, नृत्य हो रहा है आदिवासी पारंपरिक तौर पर, और सभी लोग पूरे मतलब उमंग से हैं, पूरा खुशी उसको जाहिर कर रहे हैं पूरा देश पे कि आज हम सबको भी पूरा भारतवर्ष में आदिवासियों का एक नई पहचान बनी है, जिसके कारण आदिवासी लोग अब पूरे देश में पूरे विश्व में तो जाना जाएगा कि वो लोग भी अब विकास के मुख्य धारा में मुख्य रूप से जुड़ गए हैं। प्रहलाद जी, 2017 में द्रौपदी मुर्मू झारखंड की राज्यपाल थी, तब वहां की बीजेपी सरकार के CNT-STP बिल को उन्होंने लौटा दिया था, तो क्या आपको लगता है कि जब वो राष्ट्रपति बन जाएंगी तब भी कुछ ऐसे फैसले ले सकती हैं जो सरकार के फैसलों से अलग हो या उनसे उलट हो? जी नहीं, ऐसा सरकार के खिलाफ वाली बात नहीं है, ये आदिवासी हित की बात है। जहां पर आदिवासियों का जहां पर हित होगा मतलब जहां आहित होगा उस पर वो अपना बात रखेगी, अपना विरोध दर्ज कर सकती है, हमारा इतना विश्वास है। लेकिन हाँ, वो संवैधानिक तौर पर जितना उनको करना चाहिए वो करेगी, लेकिन जो CNT-SPT एक्ट है वो सरकार के विरोध में नहीं है, वो आदिवासियों के हित में है, तो आदिवासियों के हित में काम करना सरकार का विरोधी तो नहीं कहा जा सकता है। जी जी, प्रहलाद जी बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारा ये कीमती वक्त देने के लिए एडिटर जी हिंदी पर, और निश्चित ही जो बातचीत है इससे बहुत फायदा मिलेगा, लोग देखेंगे और जानेंगे कि वहां पर किस तरह का माहौल है, क्या आदिवासी सोचते हैं, आपने जो जिक्र किया है, और कोई बात अगर आपके मन में है तो आप शेयर कर सकते हैं हमसे।
जी नहीं, हम यही उम्मीद करेंगे कि आज हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को हम अपने तरफ से एवं पूरे आदिवासी समाज की तरफ से मयूरभंज से विशेषकर रायरंगपुर से मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं एवं बधाई देता हूं कि आने वाले समय में वो पूरे देश का संवैधानिक तरीके से अपने काम को बाखूबी निभाएं और आने वाले समय में सभी लोगों को, पूरे देश के सारे लोगों को, सारे समाज के लोगों को अपने काम के जो प्रतिभा है उससे सबको सम्मोहित करें, सबका मन जीते, यही हम उम्मीद करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।